Okay, Mohit is really, really sweet and really nice. And I think it's going to be an amazing journey with him. So I'm very excited. And Delhi se ye to bahut maza aane wale hain, bahut cheezon pe apan baat kar sakte hain. And he loves to play FIFA, to main us baar mein bhi baat kar sakti hu. But yeah, it is amazing to happen on set. Okay, yeah. Woo! और अभी धीरे धीरे सीखेगा वो पहले दिन में नहीं सिखाते वरना प्रेशर आ जाता है अभी धीरे धीरे सिखाते हैं सीनियरिटी का कुछ फायदा उठा रही हो सीनियरिटी खाएंगे मेरे से ज्यादा सीनियर है एक्सपीरियंस सीनियरिटी सीरियल में सीरियल की सीनियरिटी है वो मैं धीरे धीरे जलवे दिखाऊंगी फुल ऑन आई एम रेडी प्रोमो शूट इस बारे में हो रहा है कि मैं और जो मेरी पार्टनर हैं उनकी लाइव्स किस तरीके से चेंज हो जाती हैं आफ्टर वाइल एक नए बंदे की आने की वजह से हमारे जो नया बंदा आ रहा है हमारे शो में जो नेगेटिव किरदार प्ले करने वाला है तो उसकी वजह से किस तरीके का परिवर्तन आता है हमारे कैरेक्टर्स में और हमारी लाइव्स में तो उस चीज़ को लेके आज प्रोमो शूट ओके किरदार की बात करें तो या फिर लुक की बात करें लुक काफ़ी चेंज होता हुआ दिखाई जाए तो उसके बारे में हाँ लुक पहले सूट बूट पहनते थे अब थोड़ा सा कैजुअल लुक हो गया है माइक ऊपर थोड़ा सा कूल लुक देने की कोशिश की गई है क्योंकि मोस्टली हमने मतलब पहले भी हमने ऐसे कुछ किया था लेकिन उसमें कुछ जैकेट्स वगैरह सब थे कैजुअल जैकेट्स थे जब रणवीर शानी बहुत ज़्यादा प्यार में थे और लवी डवी बिहेव करते थे लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ लुक चेंज करने की कोशिश की थोड़ा सा मोर स्टाइलिश देने का मतलब सोचा है इन्होंने सो आई थिंक विच इज़ लुकिंग डिसेंटली फाइन और एक ऑडियंस के लिए भी एक थोड़ा सा एक रिफ्रेशिंग होगा हमें देखने में कि थोड़े अलग लुक में क्योंकि बहुत देख लिया थ्री पीस सूट्स में और बाकी सेम सेम कपड़ों में सो थोड़ा लुक चेंज होगा तो थोड़ा सा मज़ा भी आएगा और थोड़ा एक एंटरटेनमेंट वैल्यू बढ़ती है ओके ऋतिका भी आ गई है सर वापस है तो क्या कहना चाहेंगे कि एक बेस्ट कमबैक किया उन्होंने ऐसा हाँ ऋतिका ऑब्वियसली वॉज अ वेरी गुड कैरेक्टर इन अ शो और उनकी वजह से शो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका था क्योंकि वो हमारे बीच में ग्रिफ्ट क्रिएट कर रही थी रणवीर और शानी के बीच में तो अब वो फिर से आ चुकी है अपना बदला लेने के लिए क्योंकि शानी ने उसे बहुत परेशान किया था फिर अंत में जब मुझे उसकी सच्चाई पता लगी थी तब फिर मैंने भी उससे बहुत परेशान किया था जेल में डाल दिया था बट नाउ शी हैज़ मैनेज टू कम आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ द बार्स एंड नाउ शी हैज़ कम बैक टू आवर लाइव्स टू स्क्रू आवर हैप्पीनेस तो अभी लेट्स सी कि अब वो आगे जाके और क्या करती है हमारे साथ तो वो वक्त ही बताएगा और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरी आशीर्वाद थैंक यू सो